अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। चले जी, आज हम बनाएंगे इसमुकी झींगा फ्राई। इस तरीके से झींगा देखिए आप बनाना, हमारे तरीके से रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ देखिए मैंने झींगे ली हूँ, तो यहाँ पे अभी ये ग्राम में तो है ये पौना ऐसे एक किलो। अब साफ करने के बाद हम देखेंगे हमारे हाथ कितने आते। तो चले जी इसको हम साफ करके दिखाते आपको कि इसे कैसे साफ करेंगे हम। तो यहाँ देखिए पहले तो इनके पूरे हम स्किन ऊपर की है तो ये निकाल लेंगे। बहुत से जने रखते हैं यहाँ की मुंडी को आगे का उड़ाते हैं और पीछे की साइड थोड़ी उड़ाते हैं, तो वैसा नहीं रखूंगी मैं पूरा इसकी स्किन निकाल लूंगी। और यहाँ देखिए ये इसके अंदर की जो ये नस होती है ना, ये बहुत जरूरी है निकालना, इसे निकालना। तो यहाँ देखिए इस तरीके से जरा से चीरा लगा लेंगे हम। ये देखिए कितने आसानी से ये हो जाता है। और यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है ये इसकी जो ये नस, ये निकाल लेंगे हम। तो यहाँ देखिए निकाल ली मैंने ये नस को और आप देख सकते हैं कितने आराम से ये निकल चुकी है। ये देखिए सारे झींगे को मैं इसी तरीके से साफ करूंगी। तो यहाँ देखिए सारे झींगे मैंने साफ कर ली हूँ और धो भी ली हूँ बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखिए इसमें मैं डाल दूंगी आधा नींबू का रस, जो इसको एक अच्छा टेंगी सा फ्लेवर देगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे नींबूओं के बीज नहीं जाने देंगे, इसको निचोड़ ली नींबूओं को मैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पे देखिए हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम ऐड कर देंगे। और यहाँ देखिए कुछ सूखे मसाले एक टीस्पून भर के मैंने ली हूँ कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ली हूँ, यानी हाफ टी स्पून से भी कम, एक चौथाई चम्मच मैंने सारे मसाले ली हूँ। ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर और ये जीरा पाउडर और ये चाट मसाला पाउडर है, तो ये मैंने हाफ टी स्पून ली हूँ। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ली हूँ। 2 से 3 चुटकी मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर ली हूँ, ये डालेंगे इसमें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये मिक्स हो रहे अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए इसको मैंने मिक्स करके रख ली हूँ। तो चलिए जी झींगे को हम 10 से 15 मिनट रेस्ट दे देते हैं। और यहाँ देखिए कढ़ाई रखी हूँ, कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ मैंने। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। आपको जितना जैसे जैसा तेल चाहिए आप उस हिसाब से तेल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये झींगे में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने हाफ टी स्पून डाली हूँ, वो सीन मेरे से स्किप हो चुका है तो आप डालना जरूर। तो यहाँ देखिए एक एक झींगे को उठा के हम डाल देंगे कढ़ाई पे और यहाँ पे इसको इस तरफ से हम 3 मिनट पकाएंगे और दोबारा इनकी साइड जो चेंज करके यहाँ से भी हम 3 मिनट पकाएंगे, यानी 6 मिनट इसको लगेंगे पकने में। और ये जो झींगे है तो हमारे बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए इनकी साइडों को भी हम यहाँ से भी अभी 3 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ देखिए पलटी कर लेती हूँ सारे झींगे को। और रेसिपी कैसी लग रही है चैनल को लाइक कर देना जल्दी से, और जो दोस्त चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों हमारी रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगती रहेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ देखिए झींगों को मैं एक प्लेट में निकाल लेती और बाकी जो बचे हैं उनको भी मैं इस तरीके से ही फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ हमारे झींगे बहुत अच्छे से क्रिस्पी और बहुत अच्छे से पक चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। इनका कलर देखिए जो हमने कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर डाले हैं और थोड़ा से कलर इसमें ऐड करें, इनके वजह से इनका कलर बहुत प्यारा सा आया। अब यहाँ देखिए ये दूसरी पेज को भी हमने इस तरीके से भी पलट पलट के इनको भी हमने फ्राई कर लिए। तो चलिए जी इनको भी निकाल लेती हूँ। तो चलिए जी अब बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए चटपटी सी चटनी। यहाँ देखिए 3 हरी मिर्ची ली हूँ मैं और यहाँ पे हाँ एक मुट्ठी भर के धनिया और पुदीना ले ली हूँ, ये मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। बहुत अच्छी सी चटनी बनती है। और यहाँ देखिए डाल दी मैंने ये सब इसमें मसालों को। अभी यहाँ पे मैं एक लहसुन की कलियाँ लूँगी। मेरे पास बड़ी है लहसुन की कली तो मैं एक ले रही हूँ, अगर आप छोटी ले रहे तो 2 से 3 ले लेना। अब यहाँ देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ आधा नींबू का रस और आधा हमने झींगे में डाले थे। तो यहाँ देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब इसमें दही ऐड करूँगी। और ये देखिए जिसमें दही रखी थी ये इसी में मैंने पानी भी डाल के ये डाल दी हूँ, पीस लेती हूँ, चटनी बना लेंगे। अब यहाँ देखिए ये इस तरीके से आपने झींगा कभी बनाए
बहुत कम बनाए रहेंगे तो हमारे तरीके से बनाना। यहाँ देखिए मैंने फॉल पेपर रख ली हूँ, इस पे सारे झींगे को डाल दी हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया डाली हूँ। अगर आप चाहिए तो हरी मिर्ची भी कट करके डाल सकते, चाट मसाला भी डाल सकते या नींबू का रस भी डाल सकते, बहुत चटपटा सा लगता है। ये सब चीज़ हम खाने बैठेंगे तो तब डालेंगे। अब यहाँ देखिए मैं फॉल पेपर को बंद कर देती हूँ इनका मुँह। ये देखिए इस तरीके से एक पोटली बना लेती हूँ और इस तरीके से ये देखिए बस इनको हल्के से मैं लपेट लूँगी और यहाँ पे चलिए अब इसको मैं देखिए अच्छे से लपेट ली हूँ। अब बनाना इस तरीके से बहुत अच्छा इसमुखी सी झींगा लगता है। हमारे तरीके से बनाना इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ देखिए मैंने जाली रखी हूँ और जाली के ऊपर इसको रख देती हूँ झींगे की पोटली और यहाँ पर इनको एक आध मिनट के लिए फुल आँच करके खूब अच्छे से हम इनको पकाएंगे, सेकेंगे यहाँ पे, मतलब इसमुखी सा बनाएंगे। यहाँ देखिए ये हो चुके झींगे हमारे। अब यहाँ पे मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको इसकी खुशबू के क्या कहने, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू। आप एक बार बनाएंगे ना बार बार बनाने के लिए जी चाहेगा। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी इसमुखी झींगा फ्राई की रेसिपी। यहाँ देखिए चटनी रखी हूँ और आप चाहे जिसके साथ इसे इंजॉय करिए, ये बहुत मज़े की लगती है। आज की रेसिपी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में बताना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को शेयर किया करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।